नमस्कार, आज के इस वृद्ध एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज सेवी और भाजपा नेता राधेलाल शर्मा से, लेकिन रिश्ता पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 7832812322। ग्रेट वे मेंस वियर, स्पेशलिस्ट इन जेंट सूट एंड सफारी सूट, रेडीमेड गारमेंट, टेलर्स एंड ड्रेपर्स। पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोडाश नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 2211-8807-2257-4882। अब विस्तार से, भाजपा को दो राज्यों में जीत हुई, चुनावों में मोदी का जादू चला, इस पर चर्चा करेंगे समाज सेवी और भाजपा नेता राधेलाल शर्मा से। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। कहते हैं दीपावली को तोहफा दिया है मोदी जी का, क्या वास्तव में तोहफा दिया मोदी जी को? बिल्कुल, ये तोहफा है मोदी जी के लिए। और देखिए, मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, जो उनके अंदर विश्वास लोगों का बढ़ा है, इसी वजह से ये विजयश्री मिली है। पूरा देश उनके 4 महीने के कार्यकाल को जान चुका है कि 4 महीने के अंदर सरकार काम कर रही है और होता हुआ दिख रहा है। हर क्षेत्र में जो लाल किले से उन्होंने कहा था, उसके कम से कम 50% बातें इम्प्लीमेंट उन्होंने कर दी हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वच्छता के ऊपर कहा, उनके ऊपर कहा, और जो भी अपने राष्ट्र के अंदर जो प्रधानमंत्री हुए, अच्छे महापुरुष हुए, उनके जन्मदिवस वगैरह पर भी, अपने जो राष्ट्रपिता थे उनके जन्मदिवस पर ही स्वच्छ कार्यक्रम चलाया। अब नेहरू जी की जो जयंती आ रही है उसके ऊपर भी, जो वर्षगांठ है उस पर भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं, उसमें कांग्रेस वालों को भी लिया है, रजत शर्मा को भी लिया और बहुत से लिए। तो इस प्रकार से उनका जो कार्य है, मोदी जी की जो कार्यशैली है कि सबका साथ सबका विकास, इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर एक खुशी का माहौल है और सबकी उम्मीदें उन पर टिकी हुई हैं और वो खड़े उतर रहे हैं। समझिए, हरियाणा में वजूद नहीं था भाजपा का, कभी 4 सीट, कभी 6 सीट, आज की डेट में 47-8 सीट आई है। क्या वजूद है इसका, कैसे आई थी सीटें? देखिए, जो इंडिपेंडेंट पहले तो कंबाइंड होता था, कोई कोएलिशन था, इसका कारण ये है कि पहले लोग पार्टियों के बहकावे में वैसे आ जाते थे, क्षेत्रीयता को देखते थे कि भाई ये हमारा ताऊ चाचा खड़ा है, ये खड़ा, चाहे वो कितना ही करप्ट। अब INDL वो जो थी, इनेलो जो पार्टी थी चौटाला साहब की, वो देखा कि उनको करप्शन के अंदर, उनको सजा हुई, जेल के अंदर रहे, किस प्रकार से करप्शन रहा। कांग्रेस का भी देखा, वाड्रा का जमीन घोटाला रहा, और भी ये जिंदल साहब का कोल ब्लॉक आवंटन में रहा। तो इस प्रकार से ये देखा जनता ने कि ये कांग्रेस बात तो करती है लेकिन एक करप्शन की राजनीति ज़्यादा है, आम आदमी का विकास नहीं होता, आम जनता का विकास नहीं होता। या जो अप्रोच वाले लोग हैं, जिनकी अप्रोच सरकार तक पहुंच जाती है, उनके लोग बैठे पैसे दे के अपना काम करा लेते हैं, तो ऐसी समझ जनता के अंदर आई और उन्होंने मोदी जी के कार्य को देखा
मोदी जी के भाषणों को भी देखा और मोदी जी की कार्यशैली को देखा। उन्होंने ये देखा, एक देश का प्रधानमंत्री विश्व के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र के अंदर भी उन्होंने जो भी पॉलिसी अपनी अप्लाई की है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। दूसरा, देश की जनता या सबकी, हर स्टेट की, हर नागरिक ये देख रहा है कि जो मंत्रालय भी बनाए हुए हैं मोदी जी, वो सब की खैर खबर रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा, कहीं करप्शन नहीं है। उनका जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो राष्ट्र का खजाना है, आम जनता का खजाना है, सभी पर का इस पर अधिकार है, इसलिए बेईमानी की कोई नौबत नहीं है। जब आदमी ईमानदार होगा तो सबके कल्याण की बात करता है। तो इसलिए जनता के अंदर ये भावना हुई कि अगर मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर है और स्टेट के अंदर भी सरकार आएगी तो हरियाणा का और विकास होगा। स्वाभाविकता है, तालमेल कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात जनता के अंदर ये थी, सरकार जो भी आएगी, मोदी जी क्योंकि स्वयं हर चीज़ का ऑब्जर्वेशंस करते हैं, अपने मंत्रालय का देखते हैं तो स्टेट्स का भी देखते हैं, तो कोई बेईमानी नहीं होगी, तो आम नागरिक का भी विकास वहाँ होगा। सर जी, कांग्रेस कहती है कि स्विस के अंदर, स्विस जेल में पैसा है, यहाँ का बैंक मनी है, वो नाम बताने चाहते नहीं मोदी जी या अरुण जेटली, क्या वजह, क्यों दोष लगाई कांग्रेस इनके ऊपर कि नाम बताओ हमें कौन कौन आदमी जिनके पैसा है? देखिए, ये सरकार ने कहा था बताएंगे, पैसे को लाएंगे, ऐसा मोदी जी ने विश्वास दिया था, वो कार्यप्रणाली चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो SIT बनी वो सबसे पहले इस गवर्नमेंट के आने से ही बनी, और वहाँ बातचीत चल रही है कि जो लोग हैं वो पैसा देश के अंदर, जो काला धन है वो लाया जाए। और अभी या तो वहाँ की, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके कार्यकलाप और उनसे क्या बातचीत चल रही है ये है, या तो हो सकता है स्विस गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कहा हो कि भाई अभी आप नाम डिक्लेयर नहीं कीजिए, हम आपको बता देंगे गुपचुप, उस तरीके से आप कार्रवाई अपने हिसाब से कीजिए। तो हो सकता है इस वजह से जो संधि हो रही है ये है, इस वजह से न बताए हों या ना बताना चाह रहे हैं। ऐसा बयान जेटली जी का आया, मोदी जी का कोई ऐसा बयान नहीं आया, तो क्या, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्रालय ही इस विषय में ज़्यादा बात करता है, तो काला धन तो अवश्य आएगा। हो सकता है नाम बताने में अभी देरी हो, कि सरकार की पॉलिसी है किस तरीके से अपने काले धन को जो बाहर है वो अपने राष्ट्र के अंदर लाए, उसके लिए सरकार दृढ़ संकल्प पर जरूर लाएंगे। मोदी जी इसको कार्य को अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कहा है कि काला धन वापस देश के अंदर लाया जाए। समझिए, क्या वजह कहते हैं विदेश में जो अकाउंट खुलता है 50 करोड़ कम से कम इनिशियल अमाउंट होती है 50 करोड़ की, तो क्या आम आदमी अकाउंट खोल सकता है विदेश के अंदर? आम व्यक्ति अकाउंट नहीं खोल सकता, ये दलाल होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो मान लीजिए मिलिट्री की डील्स हुई, बड़े बड़े चीज़ें खरीद फरोख्त हुई, उसमें जो बिचौलिए होते हैं उनको रिश्वत जाती है, उनके अकाउंट्स हो जाते हैं, जहाँ इन्होंने लोगों ने यहाँ भी काला धन बहुत सा जमा किया है वो हवाला के या किसी भी रास्ते से वहाँ पर उस बैंक में जमा करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों का है और ऐसे लोगों की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। गुप्ता जी, ये पैसा जो व्यक्ति वहाँ जमा करता है, यदि मर जाता है, वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पैसा उसका समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं। सरकार एक ऐसी पॉलिसी भी अपना है, मेरा सुझाव है, ये जनता के लिए भी ठीक, राष्ट्र के लिए भी ठीक है। मैं निवेदन करता हूँ मोदी जी से भी, और मैं लिख करके भी भेजना चाहता हूँ कि ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो काला धन, सपोज करो आज तक जो लोग बेईमानी करते रहे, ऐसा प्रस्ताव वहाँ रखें जिन्होंने ऐसा भेज भी दिया है काला धन, तो मैक्सिमम उसका 60% या 70% गवर्नमेंट को दे दें, बाकी का उनका वाइट का कर दिया जाए। और आगे ये कर दिया जाए, भाई कोई व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करेगा, ऐसा अपराध करेगा तो उसको आजीवन कारावास की सजा हो और उसकी सारे जो असेट्स हैं वो गवर्नमेंट उनको एक्वायर कर ले और वो सारी संपत्ति राष्ट्र की हो जाए। अब छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, तथा ये प्रार्थना करूँगा कि माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में सदा ही रहे। इस बार पटाखे फोड़कर पॉल्यूशन ना फैलाएं, तथा अपने घर वालों के साथ खुल के एंजॉय करें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से।
watch for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until they close up. Hey, and I can drink until I'm toe up. Hey, and I don't ever ever want to grow up. Hey, I wanna keep it going, keep it going, 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 going. दुख दूर ये समझाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करीब प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A मंडावली फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Dev Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Break kya aapka swagat hai. Implementation nahi hai, yadi aisa ho to ek baar paisa rashtra ke andar aa jayega to circulation mein hoga. उस सर्कुलेशन के अंदर होने के लिए और सभी लोगों से कह दिया जाए जिनके पास ऐसा पैसा है या जोड़ रखा है उसको नंबर एक में, जब सर्कुलेट देश के अंदर वो पैसा होगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्तर बढ़ेगा, सरकार के पास पैसा होगा, आय होगी और भारत सोने की चिड़िया बहुत जल्दी बन जाएगी। सिमा जी, कहते हैं विदेश में 23,000 करोड़ रुपया है, यदि वो पैसा अपने देश में वापस आ जाए तो देश से गरीबी खत्म हो जाए? बिल्कुल हो सकती है। आप ऐसी, यदि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसी पॉलिसी भी है क्योंकि वो बनाया सरकार और ऐसे लोग जो हैं भारत वाले लोगों का पैसा है जो यहाँ रहना भी चाहते हैं तो वो हो सकता है इस बात के लिए राजी हो जाए और इस चीज़ पर कि पैसा काला धन या गया है उस पनिशमेंट को फर्स्ट कैटेगरी में उसको माफ़ी का या ऐसा रास्ता अपना करके ऐसा कर दिया जाए कि भाई मेजॉरिटी मैगजिमम एज ए पेनल्टी जो अमाउंट सब सरकार को जाए, सरकारी खजाने में आए, कोई कुछ या आपको वाइट पर्स में कर देते हैं और आगे से फिर कोई बेईमानी ना करे, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं होगी। क्या आपके विचार से ये धन वापस आ जाएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा और आना चाहिए, आ सकता है इस धन को बुलाने के लिए। पर जिन लोगों का पैसा है आप सीधे उनको बुलाइए, एक मीटिंग कैबिनेट की रखो, बातचीत कीजिए और एक पॉलिसी ऐसी बनाइए तो जिससे, क्योंकि अभी व्यक्ति अपने काले धन को निकालने में ये भी डरता है कि मैं जेल चला जाऊँगा, कानून तो है इम्प्लीमेंटेड, लेकिन किसी चीज़ को एक गलत प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक बार ऐसा सिस्टम किया जाए और फिर सख्ती वाला ऐसा कानून बना दिया जाए तो लोग उस अपराध को करने में फिर डरते हैं। सर, इसके साथ समाजी महाराष्ट्र में भी BJP सबसे आगे है पर वहाँ गवर्नमेंट नहीं बना पाए, क्या वजह? वहाँ मोदी का जादू क्यों नहीं चला? जब कांग्रेस कह रही है सब आज जितने भी कांग्रेसी हैं कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, जो MP चुनाव में था उस परसेंटेज से चुनाव इस चुनाव में कम जीती है। सुनामी है उनका कि लहर है मोदी जी के नाम। देखिए जहां पिछली बार कितने लोग थे महाराष्ट्र के अंदर, अब 100 के आंकड़े को भी 25 वर्षों बाद कितनी मेजोरिटी आई किसी पार्टी की 25 वर्षों बाद, और हरियाणा में जो कभी नहीं थे 4 थे तो इतनी मेजोरिटी आ गई, तो उन्हीं का जादू है और उनका जो लोगों का विश्वास मोदी जी के अंदर है इसलिए है। और हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर यदि देखिए, मोदी जी ने कहा था हम शिवसेना का आदर करते हैं, कोई शब्द उनके खिलाफ नहीं बोले, प्रचार हुआ, यदि वो कुछ और इससे भी ऐसा बोलते तो और सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन मोदी जी
वैल्यूज का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर अभी ऐसा है, कुछ व्यक्ति कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है कि भाई हम जो मराठा का वैसा होगा तो उस जैसे शिवसेना कहती है कि भाई हम मराठावाद को ही ज़्यादा वो करेंगे, ये करेंगे, उस बेसिस पे भी वोट्स चली जाती है। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज ऑफ वोट वहाँ बढ़ी है, एक हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एंट्री की है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मान लीजिए ये अलायंस को अलग होकर के भी काम किया तो सब जगह लड़े तो सब जगह पता चला कि भी हाँ आधार भारतीय जनता पार्टी का है। और यदि शिवसेना जैसा बीजेपी कह रही थी इस हिसाब से अलायंस करके चलती तो और ज़्यादा दोनों पार्टी सीटें लेके आती। क्या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बन पाएगी बीजेपी के हिसाब से? नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और क्योंकि एनसीपी कह रही है हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, अलायंस के लिए भी बना नहीं है, आप शिवसेना भी सरकार में भागीदारी कर सकती है, इसलिए सरकार अवश्य भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़्यादा बड़ी होती है वही सरकार बनाती है, उसी को आमंत्रित किया जाता है। और सरकार क्योंकि चुनाव होता है हर जगह हर व्यक्ति, और हर पार्टी ये चाहती है कि स्थायी सरकार चले और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा बच्चे अपने रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Kew Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों के लिए इस दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माँ लक्ष्मी और माँ गणेश, माँ लक्ष्मी जी से और भगवान गणेश जी से कहता हूं, हर घर में खुशियां आए, धन दौलत आए, लक्ष्मी का पदार्पण हो और लोग अच्छे रास्ते पर चलें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समझिए, इसके साथ साथ J&K और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह जी आज कह रहे थे कि हम भी वहाँ जीतेंगे और गवर्नमेंट बनेगी। क्या वास्तव में बीजेपी का शासन होगा J&K में? अभी फर्स्ट टाइम होगा जो होना है। बिल्कुल होगा जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहाँ की जनता जान चुकी है, आतंकवादियों से उनको नफरत हो चुकी है,
वो जो पाकिस्तान और आतंकवादियों ने देखा, जो विपदा आई, जो प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर पर आई, उन्होंने देखा, मोदी जी ने पूर्ण तन्मयता से, अपने दिल से, हृदय से वहाँ के लोगों की मदद की। हमारी मिलिट्री ने, जिसको वहाँ के लोग गालियाँ देते थे, उल्टा सीधा समझते थे, उन्होंने उनकी जान बचाई और एक ऐसा कार्य किया जैसे भगवान ने देवदूत उन्हें भेजा हो, तो उनकी सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। वहाँ सरकार ऐसी परंपरा भी चला रही है जिन लोगों के नुकसान हो उनकी मदद कर रही है, जैसी परिस्थिति वहाँ हुई है, और कोई भी आतंकवादी या वो उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं आया, सब भाग खड़े। और जो वहाँ के नेता अलगाववाद की बात करते थे, वो भी बिलों में घुस के, उन्होंने भी कुछ वहाँ काम करने की कोशिश नहीं की। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा केंद्रीय सरकार ने, इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। लोगों की सोच बदल गई है, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी ऐसी बात नहीं की है, ना कोई ऐसा उनका कार्य है जो लोग कहते हैं ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये वहाँ है। जो पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है, जो लोग वैसे लोग दुष्प्रचार करते, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा सब जो इस देश के अंदर रहता है वो भारतीय नागरिक है, हिंदुस्तानी है, चाहे मुसलमान है या चाहे हिंदू है, और उसका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों के में विश्वास बढ़ा है, और वो हर व्यक्ति चाहता है उसका विकास हो, उसके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे, शांति हो, समृद्धि हो। और जो स्वतंत्रता है इस देश के अंदर, जितनी स्वतंत्रता है किसी को, धार्मिक स्वतंत्रता वह ऐसी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है। इस वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। समझिए क्या वजह, अल्पसंख्यक और मुसलमान जो भी हैं वो मोदी के फैन होते जा रहे हैं, कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के फेवर करते थे हमेशा, और इसी कारण कांग्रेस जीती आई थी, अब क्या कहानी हो गई है? देखिए, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को कह के उनका इस्तेमाल किया, वोट बैंक बनाया, कभी उन्होंने मुसलमानों के विकास की कोई बात नहीं की। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भाई हिंदुओं को ज़्यादा दे दूंगा या मुसलमानों को कम दूंगा या मुसलमानों को ज़्यादा दूंगा, इस प्रकार का झूठा वायदा मोदी जी नहीं करते हैं न भारतीय। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो मान लीजिए एक सड़क बनेगी तो उस पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, एक बढ़िया बनेगी तो सभी के इस्तेमाल की होगी। मुस्लिम बस्ती हो चाहे कोई भी हो, कहीं मान लीजिए जनसंख्या ही मुस्लिम्स की है, तो वो कह रहे हैं एक आदर्श गांव एक एमपी ले, तो आदर्श गांव मुसलमान हो भी तो हो सकता है, तो वहाँ स्वच्छता और एक समृद्धि वहाँ आएगी। वो ये कह रहे हैं कोई स्कीम चल रही है गरीबों के लिए चल रही है, तो हर क्षेत्र में मान लीजिए लागू होगी, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इस प्रकार से जो मोदी जी हैं वो समरूपता से समानता से काम कर रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं कि भाई IIT जैसे और ऐसे कॉलेज वगैरह सब जगह खुले, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे इंजीनियर डॉक्टर या कोई भी बनेंगे, एजुकेशन होगी तो मुसलमान भी होंगे वो भी होंगे। तो इस राष्ट्र के निर्माण में सभी का योगदान है, सभी का रहेगा, सभी का विकास होगा, इसलिए अल्पसंख्यक मोदी जी से ज़्यादा प्रेम करता है। और आप ये भी देखिए, कांग्रेस के शासन हुए या मान लीजिए सपा के हुए, वहाँ दंगे फिसाद ज़्यादा होते हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ कभी आपने दंगे नहीं देखे, शांति व्यवस्था बनी रहती है और समान रूप से सभी के कल्याण की बात होती है। समझिए आपने बात की दंगे फिसाद की, कांग्रेस कह रही है कि जब से मोदी जी आए हैं 600 दंगे फिसाद हुए हैं देश के अंदर 605 महीने के अंदर, क्या वास्तव में फिगर ठीक है? बिल्कुल झूठी फिगर है, गलत फिगर है। और दंगे फिसाद जब मोदी जी आए तो कहाँ हुए हैं? कहीं गुजरात में दंगा देखा आपने, या कहीं दिल्ली के अंदर दंगा देखा, या ऐसी कोई मध्य प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा, राजस्थान के अंदर कोई दंगा देखा, झारखंड में कहीं देखा, वो उत्तर प्रदेश में, तो वही लोग कराते बदनाम करने के लिए। इसलिए जनता जान चुकी है, अल्पसंख्यक भी जान चुका है कि आपके वोटों का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करते हैं, तो क्यों ना एक स्वच्छ सरकार, एक सशक्त सरकार और एक ईमानदारी की सरकार के लिए, सबके विकास के लिए क्यों ना मोदी जी को वोट दें। इसलिए सबका जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हमारी ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
यानी कोई कार्यक्रम हो तमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 1118 07 1818 4898 7015 2। हमारा फैक्स नंबर है 2211 06 38। ईमेल आपके पास @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.dillyatpm.com। हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्री राम नगर श्रीरामनगर दिल्ली 32।